राम राम दादी के घर में आपका स्वागत है। तो आज बनाऊंगा शाम को खाणू इवे आलू गोभी की सब्जी से और चूल्हा पर रोटी बना रहा सा और लौकी को रायतो। तो सबसे पहले आलू गोभी सब्जी बना रहा सा तो इविया कढ़ाई रख दी सा, हाथ जला दी सा और इविया में डाल दियो तेल। इवे तेल गरम होगो तो जीरो और प्याज गेर दियो हमें। प्याज और जीरो भून के तैयार होगा सी भी टमाटर डाल दिया। एक प्याज काटी थी, दो टमाटर और आधे किलो गोभी, दो गेरा आलू। ये टमाटर तो भूंद के तैयार होगा, ये गेरांगा मसालो। तो दो चम्मच तो गेर दी से हल्दी और एक चम्मच गेर दी से मिर्च और ये डेढ़ चम्मच गेरी से नमक के। और ये एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दियो से और यो एक चम्मच गरम मसालो से। गरम मसालो हम बहुत कम सब्जी में घेरा से, तो कदे 5-10 दिन में एक बार घेरा करा से। और ये आलू गोभी समय डाल दिया से। तो ये वाण में एक गिलास पानी गे रो से और इन्हें ढक के ना अरे हाथ जला दिया कि थोड़ा ढक दियो। देखो ये भैया 15 मिनट बाद या खोल के देखी से तो सब्जी बन के तैयार हो गई। तो ये भैया सब्जी तो बन के तैयार हो गई 15 मिनट बाद, ये खोल उगाड़ के देखी से ना या ढक्कन हटा के तो सब्जी बन के तैयार हो गई। बनाऊंगी मैं चूल्हा पे रोटी। तो ये भी रोटी बन गई और रोटी बनने के बाद देखो ये खानो बन के तैयार हो गो। और ये भी आलू गोभी की सब्जी और रोटी और लौकी का रायता। और ये लौकी का रायता हमने डाल भी रखे, एक बार आई बटन दबा के देख लियो। देखो ये चूल्हा के अंदर रोटी कितनी फूल रही से।
को एक बार आप भी एक गांव को खानो बनावा सा तेरे कत बना के देखियो कितनो टेस्ट आओ सा खाना में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।